और इस विद्यालय के प्रिंसिपल वैसे तो अनेकों शिष्य इस विद्यालय में कार्यरत है और कन्या विद्यालय है, लेकिन फिर भी मेरे शिष्य काफी इसमें है। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई आज जब नरेश का टेलीफोन मेरे पास गया, सब आपने आना है और बहुत साहब आएंगे। मैं एक निवेदन कर दूँ कि जब से घोड़ साहब MLA बने हैं, हमारी पहुँच, हमारी व्यक्तिगत पहुँच जो है अभी 1500 साल तक हो गई। मुझे पहले भी कभी जरूरत पड़ी थी, मुझे याद है कि मेरे दामाद का कोई केस था और उस वक्त आप UIT के चेयरमैन थे, इनका भाई साहब ये मिलना है मेरे साहब से फटाक से टाइम ले करके और वो 3 दिन में ही काम हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा आपको कि मेरा पुत्र 30 साल से भी एक ग्रामीण स्कूल में काम कर रहा था, आगे शानदार काम कर रहा था, 30 साल तक लगा था, वहाँ की टीम विनर रही, 100 लाख बच्चे गई, केवल 100 ही बच्चे थे वहाँ। एक बड़े स्कूल के अंदर उसकी इच्छा थी कि मैं बड़े स्कूल के अंदर काम करूँ। मैंने एक छोटा सा निवेदन मेरे छोटे भाई को किया, मुझे विश्वास था कि वो काम होगा और आज आपकी कृपा से मेरा पुत्र महेंद्र आपके यहाँ सेवा दे रहा है। मैं निवेदन करता हूँ कि एक छोटे से गांव के अंदर जहाँ केवल 98 संख्या थी विद्यालय की और इसने इधर उधर से मांग करके बास्केटबॉल का कोर्ट बना दिया था, उसके कोर्ट मैंने दे दिए थे, कुछ चंदा बाकी लोगों ने दे दिया था और वो जो ग्राउंड था उसका ये चल रहा कि कम से कम 100 बसें आने से लग गई और उनमें से बहुत जोर लग गई। तो अब इतना बड़ा स्कूल, मैंने बोला बेटा आ रहे हो मटका चौक के अंदर, लेकिन मटका चौक की पाया पर चाहिए मटका चौक के अंदर। तो मेरे शिष्य, ये शिष्य नरेश जो मेरे स्कूल टाइम के अंदर बहुत ही प्रिय था, वो वहाँ प्रिंसिपल है। मेरा बेटा ओम पहले से यहाँ कार्यरत है, बेटी संदीप रिटायर होकर यहाँ से गई है, आपके जगह वो आया है। तो बेहतर कर दूँ कि अब गौर साहब के आपने देखा होगा, कभी आप शहर की तरफ निकले हो, शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, सारी रोड्स जो है जो बरसों से इंतजार कर रही थी, बरसों से इंतजार कर रही थी, बोल रहा मैं कभी निकलता क्योंकि इस शहर का अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ। करीब 50 साल तक मैंने यहाँ नौकरी की है, 50 साल बहुत लंबा समय होता है, तो करीब करीब हर जगह से मेरा संबंध है, लेकिन सर कभी आता तो रोड्स की तरफ देख करके तो थोड़ा यूं लगता कि कभी, लेकिन ये भरोसा था कि हमारे भाई राजकुमार जी इसको जल्दी अंजाम दे देंगे। और मुझे पता लगा कि 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़, मैं गलत तो नहीं हूँ भाई, 600 करोड़ रुपए का। और भाई मैं तो इतनी बड़ी संस्था के अंदर रहा, 600 करोड़ कोई गिनते नहीं देखे, 50 साल तक रहा और बड़े पद पर रहा, प्रिंसिपल रहा, लेकिन मैंने तो कभी गिनते नहीं देखे 600 करोड़ रुपए आपने ला करके यहाँ लगा दिए। मेरा, मैं एक खिलाड़ी हूँ राजकुमार जी, मेरा एक निवेदन रहेगा, हालांकि स्टेडियम की आपने काया पट दी है, एक दिन देखे आया था स्टेडियम को आपने इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा दिया है, इसके लिए तो आप साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल के अंदर मटका चौक तो इतना बड़ा स्कूल है और इसके अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए गेट्स का और एक बस स्टैंड का कोर्ट तैयार कर दिया जाए, ये मैं गारंटी देता हूँ कि दिन खाली है इंटरनेशनल बच्चियाँ निकलेंगी यहाँ से, इंटरनेशनल निकलेगी। नहीं अगर तैयार कर पाए, अगर इनकी परफॉर्मेंस पूर रहती है तो मैं काम करके वापस घर ले जाऊँगा, कहीं और मैंने कहा वो कह रहा था मटका तो हमारा कहना मेरा निवार नहीं था, आपके
मेरे छोटे भाई अकेले मर गए, उनका बेटा तो पिताजी मैं शहर में नौकरी करना चाहता हूँ, शहर में नौकरी करना चाहता हूँ बेटा, तेरे चाचा से गए मेरे, और एक मिनट भी नहीं लगी, एक मिनट भी नहीं लगी, मैं आपका एहसान तो आपका भतीजा इसलिए मैं एहसान में क्या जिक्र करूँ, लेकिन ये एमएलए का सौभाग्य है कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति एमएलए बना, अंतर तो हर आदमी का दर्द समझता है, गुड़ साहब के साथ मेरा रिश्ता कोई रास्ता नहीं, कोई 50 सालों से लगातार मेरा रिश्ते इनके साथ है, और मैं इतने विनम्रता के अंदर चाहे ये चेयरमैन थे और चाहे ये एमएलए बन गए, मैं उनके आयु में बड़ा हूँ, मेरे पैर छूते आपका एमएलए साहब मेरे जब भी मेरे मिले हैं, चाहे किसी में फंक्शन में मिला हूँ, चाहे कहीं भी मिला हूँ, मेरे पैर छूते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार, मेरे को बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक संस्कार मेरे को जो करता है और वो संस्कार इन बच्चों के अंदर आप देख रहे थे बच्चों को आपके प्रति कितना प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये प्यार आप लोगों का बना रहे तो आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। मैं पुनश्चय हमारे प्रिंसिपल महोदय को, हमारे पूरे स्टाफ को, हमारे पूरे बच्चियों को सबको धन्यवाद प्रस्तुत करूँगा कि मुझे ये संपूर्ण मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।